नेपाल के नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति महामहिम राम साहेब प्रसाद यादव से नेपाल की प्रभारी बीके राज दीदी ने मुलाकात करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। लेंचर स्थित उपराष्ट्रपति जी के आवास पर हुई इस मुलाकात में राम सहाय यादव जी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन द्वारा उनके जीवन में आए परिवर्तनों की बात कही और अपने राजनीतिक जीवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व शांति के अनूठे कार्य में अपना सहयोग देने की मंशा जताई। संस्था के मुख्यालय ज्ञान सरोवर में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। हर साल होने वाले सम्मेलन में इस बार चर्चा का विषय रहा आध्यात्मिकता द्वारा व्यापार एवं उद्योग में कुशलता, जिसमें देश भर से 400 मेहमान शामिल हुए। सम्मेलन में आए मेहमानों का स्वागत संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका और ज्ञान सरोवर की निदेशिका डॉक्टर बी के निर्मला दीदी ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय हर व्यक्ति के सामने अनेक चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन अपनाने की बहुत जरूरत है। जिनको जॉब है वो भी टेंशन में है, नहीं है वो भी टेंशन में है, तो जितना ये आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान का आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप रिलैक्स रहेंगे। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी और मुख्यालय संयोजिका बीके गीता दीदी ने मेहमानों को संबोधित करते हुए प्रभाग और सम्मेलन के उद्देश्यों को विस्तार से समझाया। कुशलता आज का विषय ही बहुत अच्छा है, एक्सलेंस इन बिजनेस इंडस्ट्री थ्रू स्पिरिचुअलिटी, व्यापार उद्योग में आध्यात्मिकता द्वारा कुशलता। तो वो हमारे अंदर आध्यात्मिकता से आती है। सम्मेलन में चर्चा के लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश पोद्दार, फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक एवं सीईओ किशोर बियानी, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन के एस राजू, विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड के सीएमडी नीरज कोचर, ओएनजीसी लिमिटेड के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह, जॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर चंद्रशेखर चोरे शामिल हुए और अपने महत्वपूर्ण अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। बिजनेस इंडस्ट्री इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, ह्यूज इंपैक्ट। And therefore, the leaders of the business and industry should transform from inside out, should bring out the divinity, the strength, the power to know who you are truly, and from that space, wholesome space, the divine space, then we look at, you know, your stakeholders, look at your purpose in your business. There's more meaning to it. जो भी बाहरी परिस्थिति है वो भले मन को लुभाने वाली हो या मन को तकलीफ देने वाली हो, उसको अपने मन पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। और अगर बाहरी परिस्थिति को हमारी मनस्थिति में हमने हावी नहीं होने दिया तो हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाती है। बिजनेस हैज इट्स ओन चैलेंजेस, इट गोज थ्रू इज हाइज, इट गोज थ्रू इज लोज। बिजनेस में हम लोगों को मार्केट में जीतना है, बिजनेस में हम लोगों को कस्टमर्स को के साथ जीतना है, बिजनेस में सक्सेस पाना है, बिजनेस में रेगुलेशन से डील करना है, बिजनेस में बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। एंड आवर डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी क्वाइट गुड, आवर कॉन्सेंट्रेशन हैज़ टू बी गुड, आवर फोकस हैज़ टू बी देयर। एंड इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ जो ये प्रोग्राम है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग द होल, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, ये बहुत फायदे रहेगा। सबसे बड़ा ताला हमारी अपनी बुद्धि का है जो बिना पैसे के खुल जाता है। थोड़ा योग करना पड़ता है जिसके लिए थोड़ा तकलीफ होती है, मगर उस योग से इतना जो ज्ञान है वो अपने आप आपको डायरेक्शन दिखाता है। तो आई एम थैंकफुल विद दिस संस्था और इधर से मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ लेके जाता।
योग अकेले से काम नहीं चलेगा, और ज्ञान का स्रोत सबसे पहले मुरली, तो ये दोनों को मिला बगैर काम नहीं चलेगा। ये द्वंद्व है, द्वंद्व समास हम लोग बोलते थे कि दोनों साथ हो तभी ये खेल चलेगा। सिर्फ अगर कोई बोले कि मैं योग करूंगा और ये नहीं करूंगा तो धीरे धीरे वो बिखर जाएगा। चार दिवसीय इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज के फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर ईवी गिरिश ने द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, सीनियर राजयोगा टीचर बीके दीपा ने सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड ड्रामा और राजयोग शिक्षिका बीके राधिका ने नोइंग द सुप्रीम जैसे विषयों पर सत्र लिए और मेहमानों को उनके जीवन के सभी पहलुओं से अवगत कराते हुए परिपूर्ण होने के लिए प्रेरित किया। कार्य में परफेक्शन, रिलेशनशिप्स में परफेक्शन हमेशा चाहते थे, परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई कि आप ही परफेक्ट हो। अपने स्वयं की उस दिव्यता को महसूस करें, मन की आंखों से अपने ही इस दिव्य स्वरूप को देखें। कलेक्टिव मेडिटेशन द्वारा विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए दिल्ली जोन की ओर से अशोक विहार में भव्य कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की थीम थी विश्व शांति के लिए सामूहिक राजयोग। कोरोना काल के बाद यह पहली दफा है जब दिल्ली जोन द्वारा इस मास मेडिटेशन का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी ने मुरली सुनाई और उसके बाद सभी दिल्ली जोन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शांति स्थापना के लिए प्रेरित किया। पवित्र रमजान के मौके पर नफरत को प्यार से मिटाने का संदेश देने के लिए बेंगलुरु के कुमारा पार्क सब जोन द्वारा सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रामचंद्र गोड़ा, इस्लामिक स्कॉलर और जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद ताहा मतीन, व्यास इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्रीनिवास राजू मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी बीके सरोजा और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सुरेंद्र ने सभी अतिथियों का वेलकम करते हुए सम्मान किया। चलिए सुनते हैं इन बुद्धिजीवियों ने आपसी भाईचारे को बहाल रखने के लिए क्या संदेश दिए। And a sense of dialogue and a sense of openness that together we understand each other and we carry forward this message of humanity, of spirituality. We have our disagreements. Obviously, I don't agree with everything that you say, and you don't agree with everything that I say. There's absolutely no problem with that. हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब कौन है? कौन बैठे हैं? आत्माएं बैठी। हम सब त्रिगुणी भाई हैं। नशा हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पंजाब में नशे की लत ने बहुत ही घातक रूप ले लिया है। इसी के चलते पंजाब के होशियारपुर जिले में अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। नारों, स्लोगन्स, गीतों और घोषणाओं के साथ लोगों को ये बताया गया कि राजयोग ही एक ऐसी पढ़ाई है, एक शक्ति है, जिसे वो जीवन में धारण करके अपनी आत्मा में इतनी शक्ति भर सकते हैं कि किसी भी प्रकार के नशे से वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सपना के साथ कमलजीत, पीस न्यूज, टांडा, ओम शांत। टांडा उरमुर कस्बे में आयोजित इस अभियान में हरगोविंदपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज दीदी की उपस्थिति में 200 बीके सदस्यों ने स्लोगन बोर्ड और नारे लगाकर लोगों में व्यसन मुक्ति का संदेश दिया। अमृतसर सब जोन द्वारा नशे के खिलाफ चलाया गया यह अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन गया है। बीके सदस्य नशे की गिरफ्त में आए लोगों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा नशा मुक्त बनने का संदेश दे रहे हैं। भारत को, पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए ये अभियान चलाया है। हम सब ने जो प्रण किया है, ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की सभी भाई बहनों ने, कि सबको हम नशा मुक्त बनाएंगे और भारत को पावन बनाएंगे। आज हमने टांडा सिटी में ड्रग अवेयरनेस कैंपेन आज निकाला और हमने ये देखा कि सभी लोगों ने इसको बहुत ही पसंद किया और बहुत ध्यान से सभी लोग इसको देख रहे थे, जो भी हमारे स्लोगन्स हैं वो पढ़ भी रहे थे। ये कैंपेन हम जगह जगह निकाल रहे हैं।
इस रैली में बीके राज दीदी के अलावा दसुआ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, फगवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन और टांडा के बीके पूजा के अलावा 200 बीके सदस्य शामिल रहे। अब एक और खबर पंजाब की, जहां पटियाला के मंजीठिया एनक्लेव में नए सेवा केंद्र का शिलान्यास हुआ। यह ईश्वरी कार्य पंजाब जोन प्रभारी बीके प्रेम दीदी, जिनके प्रभारी बीके विजय दीदी, कोट कपूरा की प्रभारी बीके संगीता दीदी, राजपुरा की प्रभारी बीके कैलाश दीदी, सुनाम की प्रभारी बीके मीरा दीदी, पटियाला सर्कल प्रभारी बीके शांता दीदी समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे और विधिवत पूजन करते हुए इस रूहानी हॉस्पिटल के जल्द निर्माण की कामना की। बीके सदस्यों के अलावा शहर के कई जाने माने लोग भी उपस्थित रहे और भवन निर्माण के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। विश्व भर के लिए जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर रायपुर के शांति सरोवर में परिचर्चा का आयोजन हुआ। विश्व मृदा दिवस के मौके पर आयोजित इस सभा में चिंतन मंथन के लिए पर्यावरण विभाग के सचिव प्रेम कुमार, मुख्य वन संरक्षक भानु प्रताप सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे और सभा में उपस्थित लोगों से अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। ये संस्था बहुत वाइब्रेंट संस्था है और जैसा विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ जो आज वर्ल्ड अर्थ डे है उसका आयोजन किया है, ये साबित करता है कि कितना संवेदनशील धरती के प्रति, मानव प्राणी के प्रति हमारी यह संस्था है। तो मैं बहुत समझें कि धरती में हमारे कोई समस्या नहीं है, वास्तव में है भी नहीं। क्या समस्या है? समस्या हम खुद हैं, हमारी एक्टिविटी समस्या है। अतिथियों के अलावा शांति सरोवर की प्रभारी बीके सविता दीदी ने सभी का ध्यान इस ओर खिंचवाया कि आज हमें विश्व मृदा दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है। जिसके ही गोद में पल करके हमारा भरण पोषण हो रहा है, वो हमें बहुत सारी चीजें दे रही है जो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत प्रचुर मात्रा में उसने हमें दिया है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस प्रकृति का, इस माँ के साथ बहुत बड़ा शोषण किया है। ऐसे ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व मृदा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, देखिए उनकी झलकियाँ। मुंबई के घाटकोपर ब्रह्मा कुमारीज योग भवन की ओर से विश्व पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम किया गया। पीस एट सनराइज नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में धरती माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और चारों ओर शांति, प्यार, आशा फैलाने के लिए एक सामूहिक ध्यान सभा भी की गई। इसी तरह नवी मुंबई चिंचावली उद्यान में सूर्योदय के साथ ही ब्रह्मा कुमारी एरोली सेंटर की ओर से एक विशेष कार्यक्रम किया गया। सेवा केंद्र की संचालिका मीना दीदी ने 100 से अधिक बीके सदस्यों को योग कराया और प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में वन अर्थ कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी प्रभु उपहार भवन भीलवाड़ा की ओर से किया गया, जिसमें नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष LN दास, मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग DD डेरा श्री, वैज्ञानिक अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हितेश जी, इंजीनियर UIT अरविंद व्यास समेत कई अतिथि मौजूद रहे। इसी तरह मध्य प्रदेश के पन्ना में भी अर्थ डे के उपलक्ष्य में धरती के प्रति शुक्रिया अदा किया गया। इस दौरान बीके सिस्टर ने कहा कि हम अपने मन के शुद्ध विचारों से प्रकृति के वातावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के माध्यम से हम शुद्ध पवित्र संकल्प करके पृथ्वी को शक्तिशाली बना सकते हैं। वहीं खंडवा में भी भाग्योदय भवन आनंद नगर में कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीके शक्ति दीदी ने कहा कि हमें धरती से प्रदूषण खत्म करना ही है। कार्यक्रम में डॉक्टर श्री शंकर गुर्जर, उद्योगपति नारायण भाई, बीके किरण समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी पृथ्वी दिवस पर सद्भावना भवन के सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि नगर निगम महापौर राजकिशोर ने कहा कि धरती हमारी माँ है, लिहाजा एक पुत्र के नाते हमारा कर्तव्य है कि धरती माता को हम सुरक्षित रखें।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।